بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, السلام عليكم. Student, this is your chemistry period. Take out chemistry books of grade 10. Students, take out page 58. Today we discuss about general characteristic of organic compounds. Before starting this topic, I repeat the previous lecture. In previous lecture, we discuss introduction of organic compounds. कि हम हमारे पास जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव होते हैं, लेकिन फिर ये जो थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी, ये रिजेक्ट हुई और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अब हम लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं. फिर इसके बाद हमने ये पढ़ा कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. हम उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंडेंस फार्मूला से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्ट्रक्चर फार्मूला से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आज हम पढ़ेंगे अबाउट जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. स्टूडेंट्स, जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, द फर्स्ट वन करेक्टरिस्टिक इज कंपोजिशन. हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें जो बेसिक एलिमेंट होते हैं वो है कार्बन एंड हाइड्रोजन. इसलिए हम इन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन. इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन आर द बेसिक एलिमेंट्स. इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हेलोजन, ये एलिमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन किसके साथ अटैच होंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम के साथ. इट मीन कि हमारे पास जो बेसिक स्केलेटन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो किससे कंपोज हुआ होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन का. हमारे पास स्केलेटन का मतलब है, जैसे अब मैं यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, यहाँ पे इसका जो मेन स्केलेटन होता है वो कार्बन से कंपोज हुआ होता है और हाइड्रोजन इसके इर्द गिर्द जो है वो सराउंड हुए होते हैं. इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो कंपोजिशन में जो एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट है कार्बन एंड हाइड्रोजन, और इसके साथ दूसरे एलिमेंट भी हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड हेलोजन. सेकेंड वन करेक्टरिस्टिक इज कोवेलेंट नेचर. जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, मीन इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है. व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? हमारे पास वो बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो उस बॉन्ड को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो एक दूसरे के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं. थर्ड वन करेक्टरिस्टिक इज सोलिबिलिटी. एज वी नो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉन पोलर इन नेचर. अब आप लोगों ने क्लास 9 में सॉल्यूशन के चैप्टर में पढ़ा है कि हमारे पास जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं वो ज्यादातर कौन से सॉल्वेंट में सोलेबल होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में. क्योंकि ये हमारे पास एक रूल है लाइक डिसॉल्व लाइक, कि जितने भी ऑर्गेनिक नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे और जो पोलर कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे. लाइक फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो तो नॉन पोलर इन नेचर है, इसलिए वो डिसॉल्व होंगे केरोसिन ऑयल में, पेट्रोल में, सही है. इसी तरह हमारे पास अब अगर हम सोडियम क्लोराइड को ले, NaCl, ये पोलर इन नेचर है तो ये डिसॉल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट में लाइक वाटर. लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज इट कंटेन वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस. व्हाट इज इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस? The forces between the molecule is called intermolecular forces. So they have weak intermolecular forces
These forces are easily broken down. They are volatile in nature. हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होता है वो वीक होता है, इसलिए ये फोर्स जो है ये इजली ब्रेक डाउन, इसकी ब्रोकन डाउन इजली, और ये हमारे पास वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, इसीलिए ये लो मेल्टिंग, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है. द फिफ्थ वन कैरेक्टरिस्टिक इज थर्मल इनस्टेबिलिटी. थर्मल इनस्टेबिलिटी में they are unstable, they decompose into smaller molecule. जब हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट देते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं into smaller molecule में, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये thermally instability शो करता है. मीन जैसे हम इसको हीट दें तो ये डिकम्पोज होके हमारे पास smaller molecule में कन्वर्ट हो जाते हैं. The sixth one characteristic is inflammability. These organic compounds burn in the presence of air and produce carbon dioxide and water. Mean इस reaction को हम combustion भी कह सकते हैं, कि हमारे पास जितने भी organic compound होते हैं वो in the presence of air वो burn होते हैं और क्या produce करते हैं, carbon dioxide and water. The seventh one characteristic is reactivity. अच्छा यहाँ पे हमने कोवेलेंट नेचर में पढ़ा कि हमारे पास इन कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो अब कोवेलेंट बॉन्ड की पहले ब्रेकिंग होगी, इसके बाद हमारे पास वो आयनाइज होंगे, तब जाके रिएक्शन होगा. अगर हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की तरफ देखें जैसे NaCl है, सही है, साल्ट, तो वो जल्दी से आयनाइज हो जाते हैं और उनका जो रिएक्शन होता है वो भी जल्दी हो जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, इनके रिएक्शन जो है ये स्लो होते हैं देन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसकी ब्रेकिंग जो है काफी मुश्किल होती है एज कम्पेयर टू द आयोनिक बॉन्ड, तो इसलिए हम कहते हैं कि इनके रिएक्शन भी स्लो होते हैं देन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. थर्ड एट नंबर कैरेक्टरिस्टिक इज बर्न विद अ स्मोकी फ्लेम. जितने भी हायर मॉलिक्यूलर वेट के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, हायर मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन की नंबर जो है वो बहुत ज्यादा होती है, मीन इसके नंबरिंग जो है वो 10 से अबव हो, तो हायर मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब कंबस्टन होती है सो दे प्रोड्यूस स्मोकी फ्लेम. मीन इसकी कंबस्टन कंप्लीट नहीं होती, इनकम्प्लीट कंबस्टन होती है, इसमें हमारे पास कार्बन जो है वो अनबर्न के फॉर्म में हमें मिल जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि दे प्रोड्यूस स्मोकी फ्लेम. द नाइंथ वन कैरेक्टरिस्टिक इज आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म इज अ फिनोमेना इन विच द टू कंपाउंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला. मीन हमारे पास अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो हो वो एक दूसरे से चेंज हो, तो इसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म. हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आइसोमेरिज्म को शो करते हैं. मीन ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमारे पास उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो चेंज होगा एक दूसरे से. 10 कैरेक्टरिस्टिक इज नॉन आयोनिक कैरेक्टर. मीन अब यहाँ पे जब हम कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सही, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए हम इसको आयनाइज जो है इजली नहीं कर सकते, तो इट्स मीन के दे आर नॉन, दे हैव नॉन आयोनिक कैरेक्टर. मीन इनके जो आयंस है वो इजली नहीं बन सकते, इसलिए हम कहते हैं कि इनके जो रिएक्शन होते हैं वो भी स्लो होते हैं एज कम्पेयर टू द आयोनिक कंपाउंड. 11th वन कैरेक्टरिस्टिक इज सिमिलरिटी इन बिहेवियर. मीन हमारे पास ये कंपाउंड जो है ये इनमें अगर सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उनकी बिहेवियर जो है वो सिमिलर होगा. फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास ये CH3OH, C2H5OH, यहाँ पे देखें ये हमारे पास इन दोनों में OH का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये इनकी जो
बिहेवियर होगा ये भी सिमिलर होगा। इनके जितने भी केमिकल रिएक्शंस होंगे वो भी सिमिलर होंगे। ये क्यों? क्योंकि एक में सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। द 12th कैरेक्टरिस्टिक इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अच्छा, जब इनकी आयनाइजेशन इजिली नहीं होती, ये आयनाइज नहीं होते, तो या इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिए, हमारे में पता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए क्या जरूरी है, आयन जरूरी है। जब आयनाइज आयन्स नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कहाँ से होगा? इसलिए हम कहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है, मीन के उनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती। स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा? जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। द फर्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक इज कंपोजिशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंटेन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड हैलोजन अलोंग विद कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। सेकेंड वन कैरेक्टरिस्टिक इज कोवेलेंट नेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टू वन अनदर। सही है। फिर जो थर्ड वन है वो है, सोलिबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, इसलिए उनकी जो सोलिबिलिटी है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा होगी। जितने भी इनऑर्गेनिक हैं वो पोलर इन नेचर हैं, तो उनकी सोलिबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा होती है। द फोर्थ वन इज़ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लो होगा। क्यों लो होगा? क्योंकि हमारे पास इसमें वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, जिसकी ब्रेकिंग जो है वो इजिली हो सकती है। इस वजह से हमारे पास इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लो होगा। थर्मल इंस्टेबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूजुअली थर्मली अनस्टेबल। दे आर डिकम्पोज इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल ऑन हीटिंग। जब हम इसको हीट देते हैं तो ये स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनफ्लेमेबिलिटी। इनफ्लेमेबिलिटी मीन कि दे बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रिएक्टिविटी। रिएक्शन इन्वॉल्व ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मच स्लोअर देन रिएक्शन इन्वॉल्व इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनके जो रिएक्शन होंगे वो स्लो होते हैं एज कम्पेयर टू द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। बर्न विद अ स्मोकी फ्लेम। व्हेन हायर मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न दे प्रोड्यूस स्मोकी फ्लेम। सही है। वो स्मोकी फ्लेम क्यों प्रोड्यूस करते हैं? ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबस्टन। आइसोमेरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड शो आइसोमेरिज्म। इट इज द फिनोमिना इन विच द टू कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। नॉन आयोनिक कैरेक्टर मीन इसमें हमारे पास आयन नहीं होते, आयन प्रोड्यूस नहीं होते, क्योंकि कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सिमिलरिटी इन बिहेवियर। अच्छा, इस जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उनका जो बिहेवियर होगा, रिएक्टिविटी होगी, वो भी सेम होगी। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं दे शो क्लोज रिलेशनशिप विद ईच अदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दे आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स बिकॉज इनमें हमारे पास ये आयनाइज नहीं होते। जब हम इसका सलूशन बनाते हैं तो इनमें आयन की प्रोडक्शन ज़्यादा इजली जो है वो नहीं हो सकती। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علماً